फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो गिवन सेट्स हैं उनमें से कौन नल सेट है और कौन नल सेट नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं। जो नल सेट का डेफिनेशन है, यानी उस सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो उसे हम नल सेट कहते हैं और फाई से डिनोट करते हैं। तो पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू। तो जो ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से हम देख सकते हैं कि कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो जो सेट होगा वो नल सेट होगा। यानी अगर उस सेट को हम S से डिनोट करेंगे तो S में कोई एलिमेंट नहीं होगा और S इज इक्वल टू 5। तो जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो नल सेट होगा। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इन जनरल प्राइम नंबर्स इवन नहीं होते, लेकिन 2 एक एक्सेप्शन है। यह हमें पता है कि 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये अकेला इवन प्राइम नंबर है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स में हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा 2, और चूंकि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इस सेट में तो ये सेट नल सेट नहीं होगा। हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, यानी x 5 से छोटा भी हो और साथ में x 7 से बड़ा भी हो। तो यहां पर जो सेट S है वो नल सेट हो जाएगा। तो थर्ड में नल सेट होगा। और अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। जो फोर्थ पार्ट है वो है y इज ए पॉइंट, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो अगर हम कोई भी दो पैरेलल लाइन लें तो उसमें कोई भी पॉइंट कभी कॉमन नहीं होता है, तो जो ये सेट है वो नल सेट हो जाएगा और हम s इज इक्वल टू 5 से उसे डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह बताना है कि जो सेट हमारे पास है वो गिवन सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो ये चेक करने के लिए कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, हम ये चेक करेंगे कि उस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो वो सेट फाइनाइट होगा, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो वो सेट इनफाइनाइट होगा। सबसे पहले हम सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो ये सेट एक साल के सारे महीने का सेट है, यानी इस सेट के अंदर इस सेट का जो एलिमेंट्स है वो साल के सारे महीने। तो ये सेट हमको अच्छी तरह पता है कि फाइनाइट है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं जो कि एक फाइनाइट नंबर है। तो यहां पर हम इसे f से डिनोट करेंगे। तो अगर कोई सेट फाइनाइट होगा तो हम उसे बस f से डिनोट करेंगे, और अगर इनफाइनाइट होगा तो उसे i से डिनोट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी 1, 2, 3 और आगे। तो नेचुरल नंबर्स का सेट हम जानते हैं इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता है, तो ये सेट इनफाइनाइट है, यानी ये सेट इनफाइनाइट होगा, तो इसे हम आई से डिनोट करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी पार्ट 3। तो इसमें जो हमारे पास सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन 1, 2, 3 अप टू 100। तो 1 से 100 तक अगर हम नेचुरल नंबर्स का सेट लेते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 100 है, इस वजह से ये सेट फाइनाइट होगा। अब हम इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो उसमें जो हमारे पास सेट है वो है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी 101, 102, 103, और यह सेट भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन 100 वो इनफाइनाइट है, और इस वजह से ये सेट भी इनफाइनाइट हो जाएगा।
और अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो ये कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो अगर हम प्राइम नंबर्स देखें जो 99 से नीचे हैं, यानी तो हमारे पास जो सेट आता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, फिर 3, 5, 7, और ये सेट एक्सटेंड करते करते जो 99 से छोटा और प्राइम नंबर मिलेगा वो 97। तो ये सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, तो इस वजह से ये सेट फाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हमें ये बताना है कि जो गिवन सेट है हमारे पास वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस तो हम देख सकते हैं कि ऐसी नंबर ऑफ लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसका नंबर इनफाइनाइट है, तो ये सेट इनफाइनाइट है। अगेन हम इनफाइनाइट को सिर्फ आई से डिनोट कर रहे हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स का नंबर 26 है और ये सेट फाइनाइट है। हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमें उस नंबर्स का सेट लिखना है जो 5 के मल्टीपल हैं। तो हम देख सकते हैं 5, 10, 15, 20 और ये सेट इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ये सेट इनफाइनाइट है। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेट है। यहाँ पे हम अगर पहली बार इस क्वेश्चन को देखें तो लगेगा कि ये सेट इनफाइनाइट है, लेकिन जो सेट ऑफ एनिमल्स है वो भले ही बहुत लार्ज नंबर है, जैसे बिलियंस है, मिलियंस, बिलियंस या फिर ट्रिलियंस, लेकिन फिर भी फाइनाइट है। तो जो सेट ऑफ एनिमल्स है, जो नंबर ऑफ एनिमल्स है, वो भले ही बहुत लार्ज नंबर है लेकिन फाइनाइट है, तो ये सेट फाइनाइट हो जाएगा। जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हम देख सकते हैं कि ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स एग्जिस्ट करेगा जो ओरिजिन से पास करे, तो ये सेट इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट पार्ट है या सारे पार्ट में हमारे पास दो सेट हैं। फर्स्ट सेट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और सेकंड सेट को बी से। से अगर हम फर्स्ट सेट में लिख दें, जो ए सेट है हमारे पास ए बी सी कॉमा डी, यानी सेट ए में चार एलिमेंट है ए बी सी डी, और सेट बी में भी हमारे पास चार एलिमेंट हैं डी सी बी और ए। और हमें ये बताना है कि जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर है या नहीं। तो अगर हमें दो सेट को कंपेयर करना हो, यानी ये चेक करना हो वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, तो हम ये देखेंगे कि जो सारे एलिमेंट हैं ए में, दोनों में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम किसी भी ऑर्डर में, रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए और बी में चारों एलिमेंट सेम है, भले ही ऑर्डर अलग अलग है, तो ए इज इक्वल टू बी। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। ए में जो एलिमेंट है वो है 4, 8, 12 और 16, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 8, 4, 16 और 18। हम देख सकते हैं कि दोनों का एक एलिमेंट डिफर कर रहा है, ए में 12 है जबकि बी में वो एलिमेंट 18 है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक इसी तरह से अब हम थर्ड पार्ट में बढ़ेंगे। सेट ए में जो एलिमेंट्स लिस्टेड हैं वो हैं 2, 4, 6, 8, 10, और सेट बी में सेट बिल्डर फॉर्म है कि एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो हम देख सकते हैं बी में जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो सेट बी 2, 4, 6, 8, 10 ही होगा, यानी x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो ये सेट ए के बराबर है।
इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे। जो ए सेट है वो है एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यानी अगर हम ए सेट को पोस्टर फॉर्म में लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 10, 20, 30। और सेट बी है वो 10, 15, 20, 25। तो हम देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी में काफी एलिमेंट्स डिफर कर रहे हैं, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अगेन ये चेक करना है कि जो गिवन सेट्स हैं वो इक्वल है या नहीं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दो सेट्स हैं हमारे पास, पहले ए इज इक्वल टू 2, 3 और सेट बी में एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो सेट बी का एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो हो जाएंगे -2 और -3। हम देख सकते हैं कि a और b एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में जो सेट ए है, ए इज सच दैट इट इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, यानी फॉलो में, फॉलो वर्ड में जितने लेटर्स आ रहे हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्ल्यू, फॉलो वर्ड इन चार लेटर्स के एक बार या दो बार आने से बना है। अब सेट बी चेक करते हैं। सेट बी इज सच दैट इट्स एलिमेंट्स आर लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो वॉल्फ के हम लेटर चेक करते हैं, डब्ल्यू ओ एल और एफ। तो हम देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी हर तरह से इक्विवेलेंट है, तो ए इज इक्वल टू बी। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें ये चेक करना है कि जो सेट्स नीचे दिए गए हैं उनमें इक्वल सेट्स कौन कौन है। तो जो सेट्स हमारे पास है उसमें ए बी सी डी, हमारे पास 8 सेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, वो मैं यहां पर नहीं लिख रहा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं, 2, 4, 8, 12। तो हम देख सकते हैं बाकी सारे सेट्स में से कोई भी सेट ए से मैच नहीं कर रहा, एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। सेट सी में एक एलिमेंट डिफर कर रहा है, सेट ए में 2 है तो सेट सी में 14 है। तो अब हम सेट बी पर आते हैं, बी का एलिमेंट्स मैं यहां पर लिख दे रहा, 1, 2, 3, 4। और अगर आपकी नजर सेट डी पर जाए तो आप ये देख सकते हैं कि सेट डी के जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी फर्स्ट 3 है, खैर ऑर्डर मैटर नहीं करता, 4, 3, 1, 2। तो हम देख सकते हैं कि सेट बी और सेट डी के चारों एलिमेंट सेम हैं, तो सेट बी इज इक्वल टू डी। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर हम कोई और ऐसा पेयर या और इक्वल सेट्स पा सकते हैं या नहीं इस सेट्स के कलेक्शन से। तो अगर हम सेट ई को देखें तो सेट ई के जो एलिमेंट्स हैं -1, 1 और सेट जी इज इक्वल टू 1, -1। तो हम देख सकते हैं कि सेट ई और सेट जी दोनों सेम है, जस्ट ऑर्डर अलग अलग, तो E इज इक्वल टू जी। अब अगर हम फिर से इन 8 सेट को देखें तो हम देख सकते हैं कि और कोई भी हम ऐसा पेयर या ऐसा इक्वल सेट्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं इन दोनों के अलावा। तो इस गिवन कलेक्शन ऑफ सेट्स में
जो इक्वल सेट्स हैं वो बी एंड डी और ई और जी।